अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टू वॉचेस का कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो है सीरीज़ 9 की। दोनों वॉचेस हैं KW9 Max और KW19 Max। ये दोनों मॉडल का बहुत ज़्यादा इन चल रहा है इस टाइम मार्केट में। सीरीज़ 9 इन हुई है, जो कि ओल्ड लुक जो हमारे पास कर्व स्क्रीन वाली लुक आती थी वो हैं दोनों। दोनों में कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे बॉक्स में क्या क्या अवेलेबल है, स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह कंप्लीट कंपैरिजन आपको मैं करके बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज करें। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों के बॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे KW9 Max जो है हमारे पास, यहाँ पे KQ Weird Germany, ये दोनों वॉचेस के ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, ये देखें आप। और KW9 Max यहाँ पे प्रोमिनेंट है और KW19 Max हमारे पास यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है। मल्टी फंक्शनल है और मल्टी फंक्शनल है, दोनों के ऊपर लिखा है। 9 यहाँ पे मेंशन है, सीरीज़ 9 जो यहाँ पे थोड़े से इसके स्पेक्स जो हैं दिए हुए हैं सामने साइड पे, और ये वाइट और ग्रीन का कॉम्बो है KW19 Max में हमारे पास, और इसमें हमारे पास वाइट और ब्लू का कॉम्बो है। यहाँ पे बैक साइड पे आप देखें, इसके यहाँ पे स्पेक्स नहीं दिए, लेकिन बैक साइड पे उन्होंने डिटेल स्पेक्स दिए हुए हैं क्या क्या फंक्शन है इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे इसके ऊपर नहीं दिए हुए, और ये प्रोडक्ट डिटेल है जो कि मेडिकली वो कह रहे हैं डिवाइस नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है, आपने मेडिकल के लिए यूज़ नहीं करनी, कोई भी स्मार्ट वॉच नहीं यूज़ करनी मेडिकल के लिए, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती। यहाँ पे दोनों की ऐप देखें आप, लिफून हेल्थ सेम है, लिफून हेल्थ ठीक है। और ये आपको प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है इजीली। यहाँ पे ये तो हो गया हमारा बॉक्स डिफरेंस, तो देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं दोनों वॉचेस के अंदर। तो दोनों वॉचेस में हम KW9 Max को पहले देख लेते हैं। सीरीज़ 9 में यहाँ पे एक मैनुअल बुक हमारे पास आ जाती है, जो कि मैनुअल बुक हमारे पास दोनों वॉचेस में सेम ही आएंगी, एक साइड पे इंग्लिश और एक साइड पे चाइनीज़। और ब्लैक स्ट्रैप हमारे पास सिंपल आ जाता है, सिंगल स्ट्रैप और वायरलेस चार्जिंग केबल है, और ये हमारे पास ब्लैक डायल आ जाता है इसका। यहाँ पे ये देखें इसका, फिर आपको कंपैरिजन करके मैं दिखाता हूँ कि ये कितना कर्व है और वो KW19 कितनी है। और यहाँ पे ये देखें मैनुअल बुक, यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे चाइनीज़ एक साइड पे इंग्लिश है। यहाँ पे दो स्ट्रैप इसके अवेलेबल हैं ऑरेंज और ग्रे के साथ, वायरलेस चार्जिंग केबल है जो कि उसमें भी है। और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया इसका डायल, जो कि गोल्डन कलर में आ रहा है थोड़ा सा, ये देखें आप, ये काफ़ी डिसेंट डायल है जो। तो यहाँ पे दो हमारे पास वॉचेस अवेलेबल हैं, ये KW19 Max और ये KW9 Max ही। यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन हम बना रहे हैं और अब आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी बताता हूँ मैं आपको कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने दोनों वॉचेस के स्ट्रैप लगा लिए हैं। KW19 Max ये मेरे इस हाथ में लेफ्ट हैंड साइड पे और KW9 Max हमारे राइट साइड पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों की जो दोनों के यहाँ पे वन बटन और साइड पे ये ऑन ऑफ का बटन हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है। स्पीकर की दोनों की लुक के सेम है, वन साइड ओपन है और वन ऑफ है। बैक साइड पे हम देख सकते हैं स्ट्रैप लॉक नहीं अवेलेबल हमारे पास, स्क्रीन लो ये जो स्क्रू नहीं अवेलेबल, स्क्रू प्रिंट भी नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है। स्ट्रैप लॉक अवेलेबल है, स्ट्रैप लॉक हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इसके अंदर वॉच में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले का सेम ब्राइटनेस के साथ हमारे पास ये दोनों वॉचेस हैं और सेम इसका वॉलपेपर लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको भी डिफरेंस फील हो रहा होगा कि यहाँ पे KW19 Max का ज़रा कलर ज़्यादा ब्राइट आ रहा है और KW9 Max का ज़रा डल आ रहा है डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व की भी अगर बात करें तो पर्सनली मुझे जो ये वॉच है KW19 Max ये ज़्यादा अच्छी लगी है, और ये KW9 Max जो है ये थोड़ी सी कम कर्व है, ये ज़्यादा कर्व है, ये ज़्यादा अच्छी डिसेंट वॉच लग रही है। तो यहाँ पे हम इसके बाकी सारे डिस्प्ले और सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो सेम आ जाती हैं दोनों के अंदर। यहाँ पे BT का ऑप्शन है, BT का ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आपने कॉल करनी है किसी को कॉल कनेक्टिविटी करने के बाद, तो ये BT का ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। BT के अंदर जाके आपने मोबाइल के इस फंक्शन को ऑन करना है, तो फिर ही आपका कॉल का फंक्शन वर्क करेगा, म्यूज़िक का फंक्शन वर्क करेगा। तो ये इसमें फाइंड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे हमारे पास सर्च का, ये है जी वॉच को, BT डिसकनेक्ट है अभी हमारी इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये दोनों का सेम फंक्शन है। यहाँ पे स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे हमारे पास ये मेन्यू थीम्स की बात कर रहे हैं, जो मेन्यू थीम्स हमारा अंदर सेट हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्राइटनेस है हमारी, ब्राइटनेस जो है वो लुक हमारी सेम है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है ब्राइटनेस, तो इसको भी कम कर लेते हैं।
ये देखें अब 2-2 हो गई है ब्राइटनेस। तो यहाँ पे अब देखें कलर अभी भी ये जो है कि KW19 Max का थोड़ा सा ब्राइट कलर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें तो हमने देख ली हैं। यहाँ पे माइक आ रहा है, ये स्प्लिट स्क्रीन दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी बैटरी के, बैटरी के दोनों कलर ब्लू आ रहे हैं। और यहाँ पे नो मैसेजेस नीचे से ऊपर को करने को। यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स मोड आ जाते हैं, जो कि 2 से 3 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू हम देख लेते हैं, ये कलर डिस्प्ले हमारा मेन्यू का आ जाता है, जो कि मैं आपको अगर यूज़ कर रहा हूँ स्मूथली, जो यूज़ हो रहा है वो मेरे पास KW19 Max यूज़ हो रहा है, स्मूथली चल रहा है, काफ़ी कर्व स्क्रीन है देखने में, और यूज़ करने में भी पता चल रहा है कि वो बहुत ही ईजी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू थीम्स कितने हैं दोनों वॉचेस में वो देख लेते हैं बारी बारी में, आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं प्रेस करने लगा हूँ डबल क्लिक, जब हम साइड वाले बटन को करें तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू थीम्स चेंज हो जाता है, ठीक है। ये स्क्रीन पे मेरा हाथ इसका लगा हुआ है, ये सही से इसका जो है थीम वर्क वो ये देखें सेकंड आ गया। इसमें थोड़ा सा बटन तंग कर रहा है, ये थर्ड आ गया, ये इसका फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, और ये वही वापस सिक्स वाला आ गया। तो यहाँ पे हम इसका भी देख लेते हैं, इसको 1 काउंट कर लेते हैं, ये 2 आ गया, 3, 4, 5, और यही है हमारे पास टोटल 5 जो है हमारे पास जो है इन दोनों में सेम जो है वो लुक है हमारे पास इनकी मेन्यू थीम्स की भी। जो इसके फंक्शंस हैं वो भी आप देखें ऑलमोस्ट सारे ही सेम हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर हमारे पास आ जाता है दोनों के अंदर, कैलकुलेटर की लुक भी सेम आ रही है, और जो हमारे पास कैमरा आ जाता है वो दोनों के अंदर सेम आ रहा है, और वो यूज़ जो है वो मोबाइल के साथ ही हो सकता है। वो हमने कंप्लीट वीडियोस देखनी है तो मैंने कैमरे की अलग से कैप्चरिंग वीडियो भी बनाई हुई है, KW9 Max की भी लगी है, KW19 Max की भी लगी है, और पूरी पूरी वीडियो भी इनकी लगाई हुई है कनेक्टिविटी वगैरह की, तो वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस जगह पे आते हैं तो यहाँ से कॉल डायल कर सकते हैं, कॉल पे किसी से बात भी कर सकते हैं, जो कि मैंने वही वीडियो मेन वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जाके देखें, उसमें ऑल डिटेल्स हमारी मेंशन है। सेटिंग के अंदर हम देख लेते हैं, अबाउट हमारा आ जाता है, अबाउट के अंदर हम इधर आ रहे हैं तो स्मार्ट वॉच दोनों वॉचेज के अंदर लिखा हुआ है, पासवर्ड का ऑप्शन दोनों वॉचेज में अवेलेबल है, पासवर्ड भी लगा सकते हैं आप इसमें, ब्राइटनेस लाइट टाइम वाइब्रेशन भी यहाँ से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं वॉच को, और कॉल लॉग जो है हमारी वो भी हमें शो हो जाती है, हमने अगर कॉल किसी से बात की है तो वो भी हमारे यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हमारे पास, कॉन्टैक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, क्या इसके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं ज़रूरी, वो मैंने कंप्लीट वीडियो बना के लगाई हुई है, वो आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि कैसे यूज़ करने हैं। अभी हम कंपेरिजन वीडियो बना रहे हैं तो कंपेरिजन में मैं आपको यही बता सकता हूँ कौन सी वॉच अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी, और किसका टच अच्छा है और किसका नहीं अच्छा, ठीक है। म्यूज़िक की लुक आपके दोनों की सेम है, यहाँ पे मैं आपको दोनों की लुक की ही बता सकता हूँ कि दोनों की लुक में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये देखें आप, आपके सामने है, सेम हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, मेन्यू थीम्स तक सेम है, ब्राइटनेस और बैटरी कलर वगैरह सारा कुछ सेम आ रहा है, हमारे पास बैटरी का ऑप्शन सेम आ रहा है। इन दोनों का यही फंक्शन आपको है कि आपने अगर कॉल या म्यूज़िक यूज़ करना है, उस पर बात करनी है, तो आपको दोनों को बैटरी के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले ऐप से कनेक्ट करेंगे, लीफोन हेल्थ ऐप से, और फिर बीटी से कनेक्ट करेंगे। अभी इस तरह आपको अगर नहीं समझ आ रही तो कनेक्टिविटी जाके देखें, वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप जाके देखें, और फिर आपको कंप्लीट समझ आते हैं कि उसको कैसे कनेक्ट करना है और कॉल का फंक्शन कैसे वर्क करवाना है। अब बात कर लें अगर हम दोनों में से कौन सी वॉच अच्छी है लुक वाइज या वैसे जो है डिस्प्ले वाइज, तो फंक्शन तो आपने देख लिए हैं दोनों के सेम हैं, तो जो इसमें डिफरेंस आ रहा है वो है थोड़ा सा कर्व स्क्रीन का और लुक का, ये थोड़ी सी वॉच ज़्यादा अच्छी लग रही है। KW19 Max इन दोनों में से, दोनों वॉचेस में से अच्छी है, तो ये मैं ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा, मुझे भी अच्छी लगी है काफ़ी ज़्यादा। इसकी रेंज जो है आपको अगर यहाँ पर पाकिस्तान में मिल जाएगी तो आपको 2500 से 3000 तक ये KW19 Max अवेलेबल मिलेगी, और KW9 Max जो है आपको ये आपको 2000 से 2500 तक अवेलेबल रहेगी। लेकिन हाँ, आपने अगर हमसे ऑर्डर करना है तो आप कमेंट में या हमें मैसेज या किसी तरह भी आप हमें बता सकते हैं, तो मैं आपको डिलीवर भी ये ऑर्डर हो सकता है, तो इसमें जो है यहाँ कोई मैं लिंक अटैच कर दूंगा जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। दराज वगैरह के भी हमारे स्टोर हैं, वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों वॉचेज में से दोनों वॉचेज अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन KW19 Max जो है वो ज़्यादा अच्छी वॉच है। आप लोगों को कौन सी अच्छी लगती है वो बताएं, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी है और दोनों में से कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप दोनों में से कोई वॉच यूज़ कर रहे हैं तो वो बताएं।
सेकंड चीज़, अगर आप किसी और वॉच का कंपैरिजन देखना चाहते हैं इस वॉच का किसी और के साथ या किसी और वॉचेस का किसी भी मॉडल का, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी कंपैरिजन वीडियो लेकर आऊँ और आपको बता सकूँ कि उसमें क्या चीज़ें सेम है, क्या चीज़ें डिफरेंस हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।